मेहंदी माइयों की जो रस्में होती हैं, इसका ताल्लुक इस्लाम से है? शायद ये हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि जो यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन ये कि बहरहाल इसके अंदर इस्लाम का नुक्ता नज़र बड़ा वाज़े है कि अगर जायज़ हदूद के अंदर ये सब हैं और इसको दीन का उन्वान ना दिया जाए तो इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है। अगर जायज़ हदूद के अंदर मेहंदी लगाने में इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई तोहफा अगर ले आए तो उसमें भी इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं, तोहफा यहाँ से चला जाए उसमें भी कोई इस्लाम को एतराज़ नहीं। लेकिन जहाँ ये मामला ऐसे बन जाते हैं कि दिल टूटने लगते हैं, दिल तंग होने लगते हैं, एक रेस्टलेसनेस होने लगती है, ये तोहफा क्यों नहीं दिया गया, वो तोहफा क्यों नहीं दिया गया, ये वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर कुछ हवस भी है, जिसके अंदर कुछ तंग दिली भी है, जिसके अंदर कहीं पर हसद भी है, कहीं पर फिर इसराफ के मामला आ जाते हैं, फजूल खर्ची तबजीर भी है, अपने माल को खामा खा ज़ाया करना है। और याद रखिए कि इन चीज़ों की वजह से रिश्ते मुस्तहकम नहीं होते हैं बल्कि रिश्तों के अंदर दरारें पड़ती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंपल रखें वो सबसे अच्छा है। भाई आपने एक नस्बत तय कर दी, मंगनी हो गया, अब उसके बाद दीन क्या कहता है? दीन ये कहता है कि अगर इनको आप प्रॉपरली मियाँ बीवी बनाना चाहते हैं तो निकाह होना चाहिए। निकाह के लिए तो दो बोल हैं, एक यहाँ से प्रपोजल है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, ईजाब है और कबूल है। अनकाह तो और कबिल तो यही है ना, थोड़े अल्फाज आप बढ़ा लीजिए, बाकी तो यही है। तो अगर ये दो जुमले हो जाएँ और उसको आपने अगर इंतजामी मामलात की वजह से रजिस्टर भी करवा लिया, जो कि आजकल का एक तरीक़ेकार है, तो ये चीज़ हो गई। तो निकाह तो हो गया, अब उसके बाद क्या है? रुख्सती है, तो आप रुख्सत कर दीजिए, बच्ची को बारात आ जाए, रुख्सत हो जाए, रुख्सती के बाद अगले दिन वलीमा हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, दोनों हंसी खुशी रहने लगे।